the new video tutorial. In this video, I'm going to discuss what is Bootstrap and what is the requirement of Bootstrap in our web applications, and how to include Bootstrap in our HTML document. So करना क्या है इस मतलब Bootstrap का mainly use क्या होता है? Bootstrap हम लोग mainly website को responsive बनाने के लिए use करते हैं. मतलब responsive का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी viewport में open करें तो वो मोबाइल या मोबाइल पे ओपन करे तो मोबाइल के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए. वेबसाइट अगर लैपटॉप में ओपन करे तो लैपटॉप के हिसाब से एडजस्ट हो जाए. तो डिवाइस मतलब व्यू पोर्ट के हिसाब से वो जो वेबसाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव. ठीक है, तो हम रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो हम लोग CSS से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है. लेकिन Bootstrap में क्या होता है, सिर्फ हमको क्लास का नेम लिखना पड़ता है और उस क्लास के नेम के थ्रू हम लोग ईजिली हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. ठीक है, तो मेनली Bootstrap को मतलब इंक्लूड कैसे कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो दो मेथड्स है. ठीक है, तो पहला मेथड है या तो आप Bootstrap के साइट पे जाएं और उसका Bootstrap को डाउनलोड करें और फिर आप अपने साइट में इंक्लूड करें, या फिर मैक CDN लिंक यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने Bootstrap जो है ये लिंक मैंने यहाँ से ये मैंने लिंक के थ्रू मैंने Bootstrap को इंक्लूड किया अपने वेबसाइट में. तो देखिए कैसे करना है. जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप URL जो है वेबसाइट का getbootstrap.com, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है Bootstrap की, यहाँ पे आपको जाना है. ठीक है, उसके बाद दो बटन दिख रहे हैं आपको, गेट स्टार्टेड और डाउनलोड, तो डाउनलोड पे जाना है आपको. ठीक है, डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप डाउनलोड सोर्स में हैं, यहाँ से आप Bootstrap को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका जो है Bootstrap को इंक्लूड करने का वो है, आप यहाँ पर देख सकते हो Bootstrap CDN पर आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर कॉपी है. ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी करके उसका लिंक यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे. ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो भी आप Bootstrap इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो या फिर आप यहाँ से डाउनलोड करके भी आप इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो इस तो मैं मेनली ये मैक CDN लिंक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो होता है फास्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि पेज इसमें आप डाउनलोड करोगे तो लोडिंग पेज जो है थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगता है, मतलब स्पीड नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये क्या होता है ये फास्टर थोड़ा रहता है. ठीक है, लिंक्स रहता है तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. लिंक को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, और इसमें क्या आता है विदाउट इंटरनेट भी आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको Bootstrap को इंक्लूड करना है. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है Bootstrap को इंक्लूड करने के बाद. सबसे बेसिक जो क्लास है Bootstrap का वो होता है कंटेनर क्लास. ठीक है, तो कंटेनर क्लास क्या होता है, तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो भी साइट आप ओपन करोगे, ठीक है, तो क्या होता है लेफ्ट साइड से मार्जिन और पैडिंग अगर रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से मार्जिन या पैडिंग देना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंटेनर क्लास. ठीक है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरह से कंटेनर क्लास, ठीक है, इसका यूज़ क्या है. जैसे यहाँ पर आपको ऐसे आप एक्सेस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कंटेनर क्लास का क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ आपको विजिबल नहीं है. ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पर एक स्टाइलिंग कर देते हैं कंटेनर क्लास का. तो यहाँ पे मैं BG दे देता हूँ एक क्लास का नेम. ठीक है, Bootstrap में मल्टीपल क्लास नेम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक कंटेनर क्लास, ठीक है, उसको हम स्पेस दे करके और दूसरा क्लास का भी नेम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे कंटेनर एक क्लास हो गया है, ठीक है, और एक BG अलग क्लास का नेम है. ठीक है, तो हम मल्टीपल क्लास का नेम यूज कर सकते हैं Bootstrap में. ठीक है, तो हम CSS अब उसको स्टाइलिंग जो है हम CSS से यूज करेंगे. यहाँ पर मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसका स्टाइलिंग कैसे करेंगे BG. ठीक है, क्लास का नेम को हम कैसे एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर यूज करके. ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर ले हम और उसका बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं क्या ग्रीन. ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन दे देता हूँ. अब क्या होगा, अब और इसका हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए कि उसका वो मतलब कितने स्पेस ले रहा है. ठीक है, हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 100 दे देता हूँ मैं 600 पिक्सल. ठीक है, या विड्थ में नहीं देता हूँ. ठीक है, ऑटोमेटिक वो एक्स कर लेगा. ठीक है, ये देख सकते हो विड्थ मैंने नहीं दिया क्योंकि विड्थ जो होता है कंटेनर क्लास का वो मतलब बाय डिफॉल्ट जो है तो ऑलरेडी वो डिफाइंड रहता है. ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन जो है दोनों साइड से कुछ परसेंट जो है मार्जिन है दोनों साइड से. ठीक है, तो कंटेनर क्लास का क्या यूज़ है, कंटेनर क्लास का यूज़ करते हैं हम लोग मतलब डिव एलिमेंट के अंदर कुछ हम कंटेंट रखना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर क्लास. और कंटेनर क्लास यूज करने से क्या होता है मार्जिन दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से मार्जिन वो है कुछ परसेंट वो मार्जिन छोड़ती है. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक और क्लास होता है कंटेनर फ्लूट. कंटेनर फ्लूट क्या होता है और कंटेनर देख सकते हैं आप यहाँ पे
इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, जब मैं इसे ओपन करूँगा देखो, कंटेनर कंटेनर फ्लूड में यही डिफरेंस है कि कंटेनर क्लास यूज करने से वो मार्जिन लेफ्ट और राइट से होता है, मार्जिन कुछ परसेंट छोड़ती है, ठीक है। लेकिन कंटेनर फ्लूड यूज करने से क्या होता है, वो जो होता है स्क्रीन के पूरा वृत्त जो होता है वो पूरे इंटायर स्क्रीन का वृत्त को वो कंटेन करता है। अगर कंटेनर फ्लूड क्लास यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे कंटेनर फ्लूड क्लास यूज किया था मैंने, तो ये क्या करता है, कंटेनर फ्लूड पूरे इंटायर स्क्रीन को वो कवर करता है, ठीक है। उसका जो वृत्त होता है वो 100% होता है, लेकिन कंटेनर सिर्फ क्लास का जो यूज होता है उसमें कंटेनर क्लास में लेफ्ट और राइट से मार्जिन्स रहता है, ठीक है, कुछ मार्जिन्स लेफ्ट और राइट से होता है, ठीक है। लेकिन कंटेनर फ्लूड यूज करेंगे तो वो इंटायर वृत्त जो होता है 100% वृत्त लेता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। बूटस्ट्रैप को हम लोग इंक्लूड दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक सीडीएन वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेसिक हम बूटस्ट्रैप का जो क्लास है वो है कंटेनर क्लास, ठीक है। कंटेनर क्लास जो है मार्जिन लेफ्ट और राइट से मार्जिन कुछ मार्जिन रखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग कंटेनर क्लास यूज करते हैं, ठीक है। और कंटेनर फ्लूड जो होता है उस जो होता है वो इंटायर स्क्रीन को कवर करता है, ठीक है। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।